हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं बेसिकली अपने रैबिट का जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, या फिर यूँ कहिए कि अगर आपके घर में रैबिट है और वो प्रेग्नेंट है तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं अपने ही घर पे, ये आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रेगनेंसी जर्नी, मैं आपके सामने कुछ सिम्टम्स रखना चाहती हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी रैबिट प्रेग्नेंट है और वो कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है। सो लेट्स कम टू द साइन पार्ट। इन जनरल जो रैबिट का जो प्रेगनेंसी जर्नी होता है दैट इज़ बिटवीन 28 to 31 डेज, मतलब वो लोग एक महीने में कंसीव करके बेबी भी दे सकते हैं। सो आपको सिम्टम्स कैसे मालूम होगा? आप देखेंगे कि इन जनरल आपकी रैबिट जो खाना खाती है उससे ज़्यादा वो खाने खोजेगी, मतलब अगर आप उसको उतना ही खुराक दे रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा डिमांड करेगी। तो पहला बात कि उसको हर टाइम भूख लगेगा। दूसरा बात है कि उसका ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि वेट गेन हो रहा है, मतलब कि आप देखेंगे कि लोअर एब्डोमेन या पेट के तरफ उसको थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है। तीसरा बात है कि उसको काफ़ी सारा मूड स्विंग होगा, मतलब कि जैसे आप उसको रेगुलरली प्यार करते थे, मतलब उसको उठाते थे या उसको सहलाते थे या प्यार करते थे, ऐसे टाइम में आप अगर उसको प्यार करने जाएंगे तो वो चिढ़ेगी, वो आपके आप वो नहीं चाहेगी कि आप उसको उठाएं। चौथा बात है कि वो अपने बॉडी का फर निकालना शुरू करेगी। फर निकाल के वो लोग अपना नेस्टिंग बनाते हैं जिससे कि उनको लगता है कि वो अपने बेबी को एक कुशन टाइप का जगह बना के देंगे, इसलिए वो लोग अपने बॉडी से फर निकालना शुरू करते हैं। इन जनरल लोअर एब्डोमेन और पैर या हाथ, वहाँ हर तरफ से वो लोग अपना फर निकालना शुरू करते हैं ताकि वो लोग एक नेस्ट जैसा अपने बच्चे के लिए बना लें। तो दीज आर फ्यू साइंस जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कुछ दिन में आपकी बनी जो है वो बच्चा देने वाली है। Now let's come to the pregnancy journey of the rabbit. तो in general आपको realize ही नहीं होगा कि आपकी बनी pregnant है और वो कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है, क्योंकि activities में आपको ज़्यादा कोई फ़र्क दिखेगा नहीं। But जब वो बच्चा पैदा करने वाली है उसके 3-4 दिन पहले आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा शांत होकर बैठना चाहती है, वो ज़्यादा हिलडुल नहीं रही है, और जैसे उसके वो अगर कुत्ती फांती रहती है तो एक ही जगह ज़्यादा लेटती है, खा पी के लेट जाती है। तो आप देखेंगे कि इन जनरल उसका एक्टिविटी जो जहाँ वो 100% एनर्जी अपना देती थी, इन जनरल वो 40% देगी। तो वहाँ से भी आप एक पता कर सकते हैं। और अगर वो 3-4 दिन में बच्चा पैदा करने वाली है तो आप देखेंगे कि वो अपने बॉडी से फर निकालना शुरू करती है। फर निकाल के वो एक उनके लिए एक सॉफ्ट जगह बनाना चाहती है जिसको नेस्टिंग बोला जाता है, जहाँ पे कि वो अपने बच्चे को पैदा कर सके। तो वैसे में आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपके पास जो भी सॉफ्ट कपड़ा हो, अगर मान लीजिए कोई दुपट्टा रहा जो कि मलमल कपड़ा हो, या फिर आपके घर में अगर कॉटन है, जो रुई जिसको बोलते हैं, अगर वो है, वो अगर आप उसको देंगे तो वो उस चीज़ को लेके अपना नेस्टिंग बनाना शुरू करेगी और अपने बॉडी से फर कम निकालेगी जिससे कि उसको हर्ट कम होगा। अगर उसको लगेगा कि उसके पास उतना अमाउंट ऑफ सामान नहीं है जिससे कि उसका नेस्ट प्रॉपरली बन जाए, तो फिर आप उसको देखेंगे कि वो अपने बॉडी से फर निकालती रहेगी। दूसरा बात है कि आप उसको एक कार्टून या फिर कुछ भी एक कंटेनर टाइप का दे सकते हैं जिसमें कि वो, जिसको कि नेस्टिंग बॉक्स बोला जाता है, जिसमें वो प्रॉपरली अपना बॉक्स नेस्टिंग बनाना शुरू करें। अगर आप उसको ये प्रोवाइड कर देंगे तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे इसी जगह पे अपना नेस्ट बनाना है, और फिर वो उसी जगह पे अपना बनाना शुरू कर देगा। और उस बॉक्स के आसपास आप कुछ कपड़ा रख दीजिए, कुछ कॉटन्स रख दीजिए, वो उसी को ले लेके अपना नेस्टिंग बनाना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली हेल्प योर रैबिट। और आप देखेंगे कि जिस दिन उसको बच्चा पैदा करना है उस दिन आप उसको चाहे कितना भी सामान प्रोवाइड कर लो, वो कंटिन्यूसली अपने बॉडी से फर निकालती ही रहेगी, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपना नेस्ट बना रही है। और इन जनरल ये लोग मिडनाइट, मतलब कि रात के 3 या 4 बजे या फिर अर्ली मॉर्निंग ये लोग बच्चा देते हैं, और वंस दे गिव बर्थ उसके बाद वो लोग का फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लीडिंग होता है, मतलब कि खून थोड़ा सा निकलता है या फिर उनके यूरिन में खून निकलता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब 2 दिन तक वो लोग का थोड़ा बहुत ब्लड बॉडी से जाता रहता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। आफ्टर बर्थ आपको उसके बेबीज़ के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जैसे ही डिलीवर करते रहते हैं अपने मुंह से वो लोग अपने बच्चों को साफ़ करते रहते हैं, तो आपको उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लोग अपने मुंह से साफ़ करते करते ही अपने बच्चे को वो लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं और उनको कम्फर्टली वो लोग रखते रहते हैं, तो आपको उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि वो बच्चा पैदा करने के बाद अपना बाहर निकल के अपने आप को भी वो ग्रूम करेगी, अपना भी जहाँ जहाँ उसको लगे कि मुझे तकलीफ़ है वो उसको अपने मुँह से चाट
काट चाट के अपने आप को साफ़ करने का कोशिश करेगी। तो वैसे में आप कोई छेड़खानी ना करें, छेड़खानी करने से उसको एंजाइटी होगा या स्ट्रेस होगा, तो बेटर होगा कि हम लोग दूर ही रहें और लेट हर प्रोसेस गेट कम्प्लीट। उसके बाद आप आफ्टर 1 to 2 days आप उस बनी को एक अच्छे से प्लेस में लेके जा सकते हैं, नॉर्मल टॉवल में भी आप रख सकते हैं, बट स्टिल मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको 7 दिन तक ना हटाएं, क्योंकि अगर आप उसको उस जगह से निकाल के कहीं और रखेंगे, उसको लगेगा कि वो उसके बच्चे सेफ़ नहीं है, फिर से वो अपने बॉडी से फर निकालना शुरू कर देगी। क्योंकि मैंने जब मेरी बनी का पहला प्रेगनेंसी हुआ था तो मैंने उसके बच्चों को सोचा कि साफ ऑफ करके मैं आराम से कहीं और रख दूँ, तो मैंने जब उनको कंफर्टेबली केज में रखा तो मैंने देखा कि जब भी ये उनके पास जा रही थी उसको लग रहा था कि उनके पास वो वार्म्थ नहीं है, मतलब कि उनको उनके बॉडी में वो गर्मी फील होना चाहिए, उनका बॉडी का टेम्परेचर गर्म ही रहना चाहिए, वो लोग को ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको फील होता है कि उसको वो वार्मथनेस नहीं है तो वो अपने बॉडी से एक्स्ट्रा फर निकाल, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी टिल 4 to 5 days जब तक उसको ये फील नहीं हो रहा है कि हाँ उसके बच्चे सेफ हैं, वो तब तक अपने फर निकालती रहती है। इसलिए बेटर होगा कि उसके प्रेगनेंसी के बाद भी आप उसको ना छुएं। मैं इन जनरल 7 दिन तक, उसके सेकेंड प्रेगनेंसी जब रही तो मैं 7 दिन तक नहीं छुई, और वो अपना टाइम टू टाइम सुबह और शाम जब उसको मन करता है वो उन बच्चों के पास जाती है, अपना फीड करती है और आ जाती है। सो दिस इज़ द एंटायर रूटीन विच शी फॉलोज़। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।